नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ सर्दी खांसी को दूर करने वाला बहुत ही आसान सा काढ़ा। अगर आप इस काढ़े को लेते हो तो आपको सर्दी जुकाम की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप इसका सेवन करते हो तो आप देखोगे कि आपकी खांसी सर्दी में बहुत फायदा हो रहा है। और मैंने जो काढ़े में चीजें यूज की है, जैसे मैंने इसमें अदरक डाला है, तो आप सबको पता है अदरक का यूज कितना बढ़िया होता है। और ठंड के दिनों में अदरक हमें खाना ही चाहिए। ये हमारे मतलब जो खांसी की समस्या, गले में खराश है, तो अगर अदरक और हम शहद साथ में लेते हैं तो हमें कफ की समस्या से निजात मिलती है। काली मिर्च डाली है, लौंग डाला है, इसमें मैंने हल्दी डाली है। आपको तो पता ही है हल्दी हम रोजाना ही खाते हैं सब्जी में, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। मतलब इसमें जो चीजें डाली है, हमारे जो अगर जो भी हमें इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू हो रहा है, सर्दी हो रही है, कफ आ रहा है, इन सब चीजों को ये दूर करती है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया एंड में कि आप इसे लगातार 3 दिन पीजिए और थोड़ी राहत मिल गई है, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आप इस काढ़े को ले सकते हो। और बच्चों को अगर आप ये काढ़ा देना चाहते हो तो शुरुआत में सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही दें तो काफी है। और फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो काढ़ा है एक प्राथमिक उपचार ही होता है। अगर आपको किसी चीज की ज्यादा समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं काढ़ा बनाना। देखिए, सर्दी जुकाम और खांसी को दूर करने के लिए मैं आज एक काढ़ा बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और इससे बहुत ही असर होता है। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है, कफ आ रहा है, सर्दी हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। जिसके लिए मैंने 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने शहद लिया हुआ है और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 2 से 3 लौंग है, लगभग 7 से 8 काली मिर्च है और लगभग 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। तो ये देखिए काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी को कूट लेंगे, क्योंकि ड्राई चीजें हैं, पहले इनको कूट लेंगे, उसके बाद में इसमें अदरक कूट लूंगी। अभी मेरे पास अदरक है, सौंठ नहीं है, तो मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ फ्रेश। अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो आप सौंठ पाउडर भी डाल सकते हो 1/2 चम्मच। तो ये देखिए मैंने कूट लिया, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है, बढ़िया, देखिए अच्छी तरह से कूट चुका है फिर भी। तो अब मैं इसमें ये अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी और इसे भी कूट लूंगी। तो ये देखिए अदरक को भी मैंने कूट लिया है, बढ़िया कूट चुका है। तो शुरू करते हैं काढ़ा बनाना। ये देखिए काढ़ा बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है, धीमी आंच पे गैस ऑन कर दिया है। तो मैं 1 कप काढ़ा बना रही हूँ, तो मैं 1.5 कप यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। 1/2 कप के करीब हम उबाल लेंगे, क्योंकि उबालना जरूरी है, तभी उसका फ्लेवर आएगा, तभी हमको असर होगा सर्दी खांसी में। तो अब मैं ये डाल दूंगी, ये मिश्रण जो हमने तैयार किया हुआ है, साथ ही अब मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। हल्दी तो आपको सबको पता ही है, एंटीबायोटिक है और खांसी के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। ये देखिए बढ़िया मिक्स कर लेंगे इस तरह से और उबाल आने देंगे, और जैसे उबाल आ जाएगा गैस की आंच धीमी कर देंगे। ये देखिए हमारे काढ़े में बढ़िया उबाल आ चुका है, तो अब मैं गैस की आंच धीमी कर दूंगी और हम इतना उबाल लेंगे काढ़े को कि मैंने जैसे 1.5 कप पानी डाला है तो 1 कप रह जाए। ये देखिए हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया आ चुका है, अच्छी तरह से उबल चुका है, तो अब ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये देखिए काढ़े को छानने के लिए मैंने 1 कप ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ। मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, वैसे अगर बच्चों को पिलाना है तो शहद जरूर डालें, क्योंकि उनको मीठा थोड़ा पसंद होता है, तो शहद से टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा काढ़े का। तो ये देखिए शहद डाल दिया मैंने, तो अब मैं इसमें काढ़ा छान लूंगी। आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है काढ़े का, और इस काढ़े का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं एक बार मिक्स कर लूंगी, अगर शहद ठीक से मिक्स नहीं हुआ तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए गर्मा गर्म काढ़ा बनके तैयार है पीने के लिए। जब भी आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आप इस काढ़े को जरूर बना के पीजिए, आपको 1 कप में ही फायदा दिखेगा, बहुत ही असरकारक है ये। और आजकल तो वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस तरह के काढ़े आपको पीने ही चाहिए। और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो 3 दिन आप इसे लगातार पीजिए, और उसके बाद जैसे ठंड भी है अभी, तो 1-1 दिन छोड़ के आप इसे ले सकते हो, आपको बहुत फायदा करेगा। अगर आपको मेरे काढ़े की रेसिपी पसंद आई है तो वो बोलना है वीडियो। तो अगर आपको मेरे काढ़े की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।